सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये ब्लॉग मेरा गोवा का पहला ब्लॉग है, बट एक बात बता देना चाहता हूँ, ये ब्लॉग मेरा पहला ब्लॉग नहीं होने वाला था, ये मेरा तीसरा के चौथा पांचवा ब्लॉग होने वाला था। इंसिडेंट्स मेरे साथ ऐसा हुआ है भैया कि मेरे सारा हार्ड डिस्क में का जितना भी डेटा है 112 GB सारा का सारा रात को ये सुबह 4 बजे ख़त्म हो गया। इतना ख़त्म हो गया कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बट भैया जो कुछ सिखा है लाइफ में, जितना एक्सपीरियंस किया है उस एक्सपीरियंस से भैया माइंड में फ्रेश रख रहा हूँ। अभी मतलब मोबाइल भी फेंक चुका होता मैंने, मोबाइल मेरा हार्ड डिस्क डायरेक्ट कुछ भी जो आया मन में फेंक दिया होता मैंने, लाइफ में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखने का। तो वैसे ही मेरे हो गया, उड़ गया सारा डेटा तो उड़ गया। आज मेरा पहला ब्लॉग है और आज मेरा आखिरी ब्लॉग होगा। उसके बाद जितने भी मैंने सिनेमैटिक शॉट लिए थे वो सिनेमैटिक शॉट मैं आज फिर से निकालूंगा। आज के लिए आज मेरा प्लान है कि आज हम दोनों जल्दी निकले हैं, आज आखिरी दिन है 28 नवंबर 2019। तो आज हमारा फिल्म फेस्टिवल का आखिरी दिन है, फिल्म फेस्टिवल का आखिरी दिन है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं सारे सिनेमैटिक शॉट भी निकाल लूँगा जितने मैंने लिए हैं और नहीं लिए वो भी वो पता नहीं, पर उसके बाद 1:30 का हमारा शो है और 3:30 तक ख़त्म होगा। उसके बाद हमारा प्लान है कहीं घूमने जाने का, तो घूमने जाएंगे हम कहीं और कोलंबे बीच, बागा बीच, नहीं तो अंजुना बीच ऐसे कहीं जाएंगे, तो वहाँ का भी कुछ सिनेमैटिक ले लेंगे यार। वो बागा बीच और अंजुना बीच मैं पिछले ही गोवा की ट्रिप में कर चुका हूँ, तो अभी तो भैया बहुत गुस्से में हूँ। आइए वो गुस्से को साइड में रख देते, लाइफ में आगे बढ़ते, लाइफ में पीछे देखने वालों में से मैं नहीं हूँ। आइए चलते, बाय। तो गाइस तो हम यहाँ पे पहुँच गए, आपको दिखाता हूँ ये जगह बहुत सही सुंदर है यार, ये जगह बहुत खूबसूरत है। तो हम अभी अंदर एंट्री करने वाले हैं, आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ कैसा है। आइए तो गाइस तो ऐसा है, ये पूरा फुल भरा हुआ रहता है क्योंकि हमें सुबह का शो है, सबसे पहला शो है। तो हम बहुत लेट हो गया, 20 मिनट लेट हो गए, तो गाड़ी नहीं मिल रही था हमें रेंट पे। अभी मैं हाथ में मोबाइल पकड़ के चल रहा हूँ, बहुत अलग लग रहा है मुझे, नहीं लोगों को, तो बंदा क्या कह रहा है। इसका भी बहुत सही सिनेमैटिक शॉट निकाला था मैंने, तो फुल ग्लास से बने हुए, देखो ना कितना सही आर्किटेक्चर के लोग ने, तो आर्टिस्ट ने किया है यहाँ के। ऐसे ये है आइनॉक्स 1 2, ए 1 और 2 इधर है ना, 1 और 2 आइनॉक्स इधर ही है, यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ का यहाँ पे स्क्रीन लगी है, चलते रहते हैं यहाँ पे बहुत से, और ऐसे सेलिब्रिटीज यहाँ पे घूमते रहते हैं। सर हम पहचान भी नहीं सकते कि यार यार ये डायरेक्टर है यार, ये कोई तो भी देखा, इसको कोई तो भी देखा, ऐसा लगता रहता है, बस पहचान भी नहीं आते कभी कभी। ये हम अंदर आ चुके हैं, वहाँ से अंदर आए यहाँ पे स्क्रीन वन है। तो सो गाइस तो हमारी मूवी अभी ख़त्म हुई है, बाहर आया तो यहाँ पे इतनी भीड़ इसलिए है क्योंकि अभी रोहित शेट्टी आने वाला है, तो ये टिकट बुक करने गया था, मतलब देखने गया था। क्या नहीं रोहित शेट्टी सर का फूल है सर, ऐसे क्यों करते हो आप, एक तो मेरा सर फटा जा रहा है। मैम के साथ कितने दिनों से आप? अभी कल से हूँ। कल से हो, अभी तक एक भी फोटो नहीं निकाला? नहीं निकाला। कल हम मैम को ही मिले थे मॉल में, कौन से मॉल का नाम क्या था? मॉल डिगो। तो वही मैम को बहुत जल्दी में थी मैम, तो इसलिए मैम ने फिर भी हमें थोड़ा टाइम तो दिया फोटो निकालने के, जस्ट अभी यहाँ से मैम गई है। तो आइए चलते हैं बाहर, बाय। सो गाइस तो अभी हम बाहर निकले हैं, तो वहाँ पे हमारे दो शो अभी वहाँ पे है, एक 10:45 का यार, एक 1:15 का है ना। हाँ तो अभी हमारा यही प्लान था कि अभी 10:45 का मूवी कैंसिल करके रोहित शेट्टी का कुछ भी हालत में यार उसका अटेंड करना था, पर नहीं फुल है
पर हम ऐसे भी घुस सकते हैं, पर क्या है ना ये नहीं तो वो कुछ भी नहीं मिलेगा। उस साथ एक काम किया हमने, जो है वही है, मतलब जो मिलता है उसमें खुश रहो। एक काम करते हैं, अब मेरा जितना भी मिस हुआ था यहाँ पे, जितना भी सिनेमैटिक अब जितना मिल सके उतना निकाल लेता हूँ मैं अभी। आइए तो ये बताना चाहूँगा, वहाँ पे जो दिख रहा है वहाँ पे ना रात को इसका राड़ा सो राड़ा राड़ा, तो वो वहाँ पे ना अंदर जाने का फुल रॉकन शो रहता है। के पीछे ही बैकग्राउंड में बीच है, वो बीच पे समुद्र में पूरे कैसिनोज रहते हैं। वो कैसिनोज में इतना सही, वो कैसिनोज की जितनी भी लाइट्स है वो लाइट्स पूरे रिफ्लेक्शन करते हैं पानी में, और इतना सही व्यू आता है ना यार। बस और वहाँ पे जितना भी अंदर है ना पूरे लाइटिंग्स लगे हैं, बहुत मतलब बहुत भारी। आइए चलते हैं, बाय। आपको तो पता चल ही गया होगा हम दोनों ही घूम रहे हैं अभी, हम दोनों का प्लान है पूरा गोवा घूमने का। क्या है ना हमेशा मतलब ज़्यादा बच्चे में रहोगे ना तो कोई ना कोई नेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से फिर बिग मूवी मिस होती है। और वैसी बात नहीं, ये बात इतनी है कि जल्दी जिसको जल्दी जो मूवी देखनी है जा सकते हैं, इतनी फ्रीडम है सब में। ये है पोल गोरल, तो ये मॉल में ये लड़की निकल गई। आइए चलते आ गया, बात ऐसी है अभी स्क्रीन टू पे हमारा मूवी है। सो गाइस, तो हम आए हैं KFC में, अभी भूख लगी तो खाएंगे, तब तक आप वो व्यू देखो यार, वो व्यू बहुत सही है, बाहर का व्यू बहुत सही है। गाइस तो अभी हमारा मूवी खत्म हो गया है, तो अभी हम जा रहे हैं, ओहो तो अभी हमारा प्लान है कि कैंडोलियम बीच पे जाना है। अभी गाड़ी निकाली हमने अपना, क्या सब फंसी लो, ये चलते हैं, बाय। लगा मंगेश चक दे बटे, तोड़ दे गिल्ली, चक दे गिल्ली, हर कुछ हर कुछ नहीं सर। बिचर यहाँ से आते बग, बाकी के बिचर नहीं बैठे थे। सो गाइस तो बागा बीच पे और बाकी के बीच पे यहाँ पर ऐसे बैठने का नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर जरूर मिलेंगे आपको, देख सकते हो यहाँ से वहाँ तक पूरा आपको नहीं मिलेगा, बाकी के बीच पे नहीं मिलेगा। तो फॉर्चुनेटली हमें जाना वहाँ था और यहाँ पहुँच गए, ये चलते हैं वहाँ आपके लिए, निकलते हैं। हाँ मंगया सर, है सर चले चलो। तो गाइस फाइनली जो मेरे को व्यू चाहिए था, फाइनल गाइस मेरे को जो व्यू चाहिए था वो मिल गया है, कैंडोलियम जो मेरे व्यू चाहिए था और मुझे वो मिल गया है। ये चलते चलते मंगे, ओके ओके चला मित्र धूम मस्ती करो यार, क्योंकि मेरा मूड तो ऑफ है, पद्मी दाखवत नहीं, क्योंकि ब्लॉगिंग करते हो ना ये मूड।
सो गाइस तो हम आए हैं कलिंग बूट बीच पे, यहाँ का व्यू सबसे बेस्ट है, व्यू दिखाता हूँ आपको। आइए चलते हैं। तो ये है रात का माहौल यहाँ का, तीन दिन से ऐसे ही मजा चल रही थी हमारी। ज़्यादा तो करके हमने मूवीज देखी है, मास्टर क्लास अटेंड किए हैं, बट ये मतलब ये एक ही वीडियो है मेरे पास बस, क्योंकि तो सारे मेरे हार्ड डिस्क का सारा डेटा डिलीट हो चुका है अभी। तो चलो रूम पे जाके बात करते हैं। Bye.